वन क्लास के सभी बच्चों को पुनः एक बार वेलकम है। आज हम लोग हिंदी विषय से 15 पाठ पढ़ेंगे। 15 पाठ यानी जिसे हम 15 नंबर सीरीज में रखे हुए हैं, तो इसमें हम देखेंगे इस पाठ में कि पाठ का नाम जैसे दिया हुआ है कि मैं भी का मतलब यहाँ पे मैं भी कौन वर्णन कर रहा है, कौन अपनी बातों को हम लोग के बीच में रखने का प्रयास कर रहा है। तो हम इस पाठ में देखेंगे कि मैं भी कौन है, कौन हम लोगों से इस तरह की बातों को कहने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए यहाँ इस कहानी में जैसे हम अंडे की बात करेंगे और अंडे के साथ मुर्गे के चूजे की बात करेंगे, कई बातें इसमें आएगी। तो एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। बतख का बच्चा कहां से निकलता है? अंडा से ही निकलता है। अंडा जो होता है वो बतख के द्वारा ही दिए जाते हैं और उसी अंडे से बतख का बच्चा निकलता है। तो एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला, लो मैं अंडे से निकल आया। उसने क्या बताया कि लो मैं अंडे से निकल आया, यह बतख का बच्चा ने बोला। बतख के बच्चा ने बोला कि लो मैं अंडे से निकल आया। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया, चूजा ने बोला। एक अंडे से कौन निकला? बतख का बच्चा। दूसरे से एक मुर्गे के चूजे ने निकला और दोनों ने कहा कि मैं भी आ गया, मैं घूमने जा रहा हूं, बतख का बच्चा बोला। यह बात किसने बोला? बतख का बच्चा ने बोला कि मैं घूमने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं भी चलूंगा, यह बात किसने कहा? चूजे ने कहा। चूजे ने कहा कि मैं भी चलूंगा। अब आगे क्या हुआ? मैं गड्ढा खोद रहा हूं, बतख का बच्चा बोला कि मैं गड्ढा खोद रहा हूं। गड्ढा खोदना समझते हैं ना कि गड्ढा कैसे खोदते हैं मुर्गे और बतख जो होते हैं। तो मैं भी खोदूंगा, यह बात किसने कहा? चूजे ने कहा। यानी बतख का बच्चा जो भी करता था, पीछे पीछे वह चूजा जो था वह भी पीछे पीछे वो काम करना चाहता था, वह भी काम करता था। और ऐसा हुआ कि जब ये दोनों एक ही काम कर रहे थे, यानी जो बतख का बच्चा करता था वही चूजा भी करता था। तो देखिए आगे किस तरह के बातें आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मुझे एक केचुआ मिला। केचुआ समझते हैं? मुझे एक केचुआ मिला, बतख का बच्चा बोला। तो मुझे भी, चूजा ने कहा कि मुझे भी। अब देखिए, मैंने एक तितली पकड़ी, बतख का बच्चा बोला कि मैंने एक तितली पकड़ी। तो मैंने भी पकड़ी, चूजा ने बोला, मैंने भी पकड़ी। मैं तैरना चाहता हूं, बतख का बच्चा बोला। तो चूजे ने कहा कि मैं भी। उसके बाद क्या होता है कि देखो मैं तैर रहा हूं, बतख का बच्चा बोला मैं भी तैरूंगा। यानी चूजा जो था उसने कहा कि मैं भी तैरूंगा। और क्या हुआ? वो तैरने के लिए वो भी तैयार है, लेकिन बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। चूजा को तैरने नहीं आता था, उसने चिल्लाया कि बचाओ। बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से निकाला। आगे क्या हुआ होगा अनुमान लगा सकते हो कि जब बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से निकाला तो उसके आगे क्या हुआ होगा, इसके बारे में तुम अनुमान लगा सकते हो। अब अनुमान लगाओगे और इस पे कुछ प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर बनाओगे कि चूजा बार बार बतख के बच्चे की नकल क्यों करता था। चूजा बार बार बतख के बच्चे की, बतख का जो बच्चा था तो बतख के बच्चे की या बतख का बच्चा जो था उसका नकल क्यों करता था? चूजा बार बार बतख के बच्चे की नकल क्यों करता था? उसके नकल करने का क्या कारण था या बता सकते हो? नकल करने का क्या कारण था? बतख के बच्चे की नकल क्यों करता था? नकल क्यों करता था? तो उसे चिढ़ाने वाले एक नाम दो। उसे चिढ़ाने वाले, चिढ़ाने वाले एक नाम दो। चिढ़ाने वाला कौन सा नाम होगा? जैसे यहां
चूजा की बात हम करते हैं कि चूजा चढ़ाने वाला क्या डूबेगा क्या तैरेगा। अब बताना है इसमें कि क्या डूबेगा क्या डूबेगा क्या तैरेगा। हम समान का नाम बता रहे हैं इसमें से क्या डूबता है और क्या तैरता है। जैसे तुम देखोगे कि लकड़ी, जैसे हम बता रहे हैं यहां चाक, चाक देखे हो, चाक डूबेगा कि तैरेगा। इसके बाद देखोगे पत्थर, इसके बाद पत्थर के बाद रुई देखे हो, उसके बाद कागज, रुई के बाद कागज, कागज के बाद तुम देखोगे लकड़ी का जैसे टहनी देखे हो, टहनी यानी टहनी, पेंसिल, इन वस्तुओं में बताना है कि इन वस्तुओं में क्या डूबेगा और क्या तैरेगा। पानी के अंदर क्या डूब सकता है और क्या तैर सकता है। बस इतना ही आज के लिए, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल।